चेयर्स भाई चेयर्स। बिना हो गया अब चलते हैं सीधा श्रीनगर। किस्मत ही ऐसी है मेरी। कुछ 2 या 3 किलोमीटर दूर है, रिक्शा करेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर के रुके हैं चाय पीने के लिए। तो भाई रिक्शा कर लिया, अब जाएंगे अपने होटल में। घंटाघर है वो। घंटाघर क्या है, इंडिया में हर जगह मिल जाएंगे आपको, हर बड़ी सिटी में घंटाघर एक प्लेस। वो घंटाघर बनाया हुआ है अंग्रेजों का। अच्छा, पर हम वैष्णो देवी वाली गलती नहीं करेंगे, हम पहले कमरा लेंगे, वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद घूमेंगे। भाई पूरी बाहर एक स्ट्रीट मार्केट लगी हुई है। दादा इस मार्केट का नाम क्या है? घंटाघर। घंटाघर ये है भाई यहाँ की घंटाघर मार्केट। होटल नया कश्मीर, और ये हमारे होटल के बाहर का एरिया। टूर आपको थोड़ी देर में देता हूँ, पहले भाई को सैंडल खरीदनी। गाइस चलो अब मैं आपको अपना रूम टूर देता हूँ। आओ राकेश भाई, ये बेड है, ये अलमीरा है, टीवी लगा हुआ है, बैग्स पड़े हमारे, और ये अभी हम चाय पी के हटे हैं। ये रहा सामने लाल चौक। हम अभी इस वक्त श्रीनगर के मेन एरिया में है, लाल चौक में। हम बस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। भाई पूरा कश्मीरी वाइब दे रहा है यार ये रूम पूरा। पानी देखे गए भाई एकदम पूरा घर वाले स्टाइल में। तो गाइस अभी निकल रहे हैं, ये राकेश भाई के दोस्त है, वो हमें डल लेक लेके जा रहे हैं नीचे, वो वेट कर रहे हैं हमारा, उसके बाद अब डल लेक में मिलते हैं। सो गाइज ये है सारा एरिया डल लेक का। मैंने नीचे उतर कर ज्यादा व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि अंधेरा बहुत था, ढंग से कुछ कैप्चर ना होता। एंड गाइज जो आप ये वाटर बोट्स देख रहे हैं इनका किराया 10,000 से लेकर लैक्स तक जाता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। एंड गाइज कल हमें मॉर्निंग में लद्दाख के लिए निकलना था, इसलिए हम जल्दी होटल में आ गए थे। अभी बस एक ड्राइव पे गए थे, थोड़ा बहुत श्रीनगर की गलियां एक्सप्लोर कर रहे थे राकेश भाई के दोस्त के साथ। इतना ज्यादा घूमे नहीं, बस कार में एक गेड़ा मार लिया। कल यहाँ पे बता रहे हैं लाल चौक पे कोई बीजेपी का कोई मिनिस्टर आ रहा है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। लाल चौक पे 11-12 बजे तक रौनक रहती है, बट कल सिक्योरिटी इशू के कारण 6-7 बजे तक सब कुछ खाली करा दिया। बाकी देखते हैं भाई कल क्या माहौल रहता है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी 7 बज रहे हैं सुबह के। पहले मैं भूल गया था कि मैं कश्मीर में, एकदम से उठा तो ऐसे लगा पता नहीं कहाँ आ गया मैं। आज दिखाते हैं आपको बाहर का पूरा कार्यक्रम, पूरी फोर्स जमा है लाल चौक पे, वहाँ पे शायद कुछ मीडिया वाले आ रखे हैं, और आगे देखो पूरा पंडाल। वैसे ये रोज का माहौल नहीं है लाल चौक का, ये जब कोई इवेंट होता है या फिर कोई बड़ा मिनिस्टर या बड़ा फंक्शन हो रहा होता है तो सिक्योरिटी के लिए ये सब ये यहाँ का नॉर्मल ड्रिल है। ये असली भारतीय है, तो वहाँ पे कच्चे भी सूख रहे हैं। चाय आ गई है भाई, चाय पी के राकेश भाई भी तैयार होंगे, मैं भी तैयार हूँगा। मुझे थोड़ी बहुत ना मुंबई के टाउन एरिया की याद आ रही है, क्योंकि वहां पे भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं। गाइस अब रेडी हो चुके हैं एंड अब जा रहे हैं नीचे फाइनली। ये राकेश भाई ने आज टाइम लगाया, लेट उठे हैं भाई ये। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है नीचे, फुल आर्मी। अभी हम उस तरफ से जा नहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। सामने वाली तरफ जाके कोई नाश्ते का देख रहे हैं, और यार वेज मिलना बहुत मुश्किल है कश्मीर में। हम कल रात को जब डिनर करने गए थे हमें बहुत मुश्किल से राजमा चावल मिले, मैक्सिमम हमने राजमा चावल ही खाए हैं पूरे ट्रिप के अंदर, है ना भाई? यार मिल जाएगा। भाई 11 बज रहे हैं सुबह के, 11 बजे पूरा मार्केट बंद है। कौन आ रहा है सर अभी? पता नहीं, मेरे को पता नहीं है कौन आ रहा है, बीजेपी की रैली है। काम तो आपको बहुत मुश्किल, कल से देख रहा हूँ मैं सभी चलता, हमारी ड्यूटी ऐसी है। ओके ओके, मिलते हैं नाश्ते करके आते हैं। ओके सर, थैंक यू। भाई अभी ये आर्मी के कुछ सोल्जर से बात कर रहे थे, भाई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, वो कहते हैं आराम से ब्लॉगिंग करो कोई चक्कर नहीं है,
चिल होके घूमो बस। दादा दो चाय दे दो और ये फैन दे दो। चीनी कम की ज्यादा? मीडियम चीनी, मीडियम। चाय बनाता है पुराना पुराना बंदा इधर ये उठा है। कश्मीर में भी अमृतसरी कुलचा नहीं नाश्ता। अभी राकेश भाई ने चाय मंगाई और साथ में एक केक खा लिया और उस केक के अंदर अंडा था, उन्होंने उसी टाइम थूक दिया। अभी चाय नाश्ता हो गया हमारा एंड अब हम जा रहे हैं वो ब्रिज को क्रॉस करने। जो भी मिनिस्टर आ रहे हैं वहीं पे आएंगे। पे आ चुका हूँ, जब भी प्रोग्राम है एंड मैंने सबसे परमिशन ली है, मतलब बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा है, फुली सिक्योर्ड है। यहाँ पे सारी सीटिंग अरेंजमेंट है एंड यहाँ पे होगा फंक्शन। गाइस बस अब थोड़ा बहुत शूट कर लिया वहाँ जाके एंड अब चेकआउट करते हैं और फिर निकलते हैं। बड़े मिनिस्टर आने वाला है, अभी बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है यार। काफ़ी नेशनल न्यूज़ चैनल्स आ चुके हैं, ड्रोन कैमरा भी चल रहा है, पता नहीं जूम कर लिया होगा इसने। हाँ ये रहा ड्रोन कैमरा। वाह भाई वाह, हमारा तो गेट ही बंद है। बाय बाय रूम, ले लद्दाख जाना। आपके यहाँ की चाय बहुत बढ़िया दादा। ठीक है दादा, बाय, नेक्स्ट टाइम आएंगे यहीं पर रुकेंगे इंशाल्लाह। चलो भाई अब लाल चौक को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। बस अब ये ब्रिज पार करना है और वहां से चलेंगे। चलो चलो चलो, अभी लेह लद्दाख भी जाना है। वैसे अभी मेरा एक और प्लान है, मेरा एक कॉलेज फ्रेंड है गोकुल, वो आर्मी में सर्व करता है, वो अभी श्रीनगर में ही है। मैंने उससे भी फोन पे बात की है, देखते हैं अगर हमारे टाइमिंग्स मैच हो जाते हैं, क्योंकि मुझे अभी ले के लिए निकलना है, तो अगर वो टाइम पे आ जाता है तो उससे भी मिलूंगा, नहीं तो फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ये सामने कार नाले में घुस गई। एक सेकंड, कैमरा अच्छा लगा आपको? वेट चेक करते हैं। ओके मैं करूँ क्या, कितना लेते हो पैसा? ला रख इधर। क्या नाम है बेटा आपका? अंशु। और आपका? सिकंदर। गाइज हम श्रीनगर से एक दिन में इसलिए निकल रहे थे क्योंकि हमें लद्दाख जल्दी पहुंचना था। हमें न्यूज मिली थी कि वहां का रास्ता कभी भी बंद हो सकता है, कि मौसम बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हमने ये प्लान किया था कि हम लद्दाख घूमने के बाद बाय रोड श्रीनगर वापिस आएंगे एंड दो दिन यहाँ पे रुकेंगे ताकि अच्छे से पूरा कश्मीर एक्सप्लोर कर सके।